नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। प्राइवेट बस ने कुचला बाइक सवार को, गुस्साए परिजनों ने असंध रोड किया जाम। आरोपित बस चालक की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम। आरटीए एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने इस्मालखा के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत, धमकी देने का लगाया आरोप। सेक्टर 25 पार्ट 2 ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गंदे नाले के पास 30 साल के युवक का मिला शव। हत्या करने के बाद आरोपितों ने शव ठिकाने लगाने के लिए पत्थरों के नीचे दबाया शव, जांच में जुटी पुलिस। बॉलीवुड के कलाकार गुलशन ग्रोवर, असरानी और शक्ति कपूर पहुंचे पानीपत के निर्यातक सुरेश तायल के बेटे की शादी में। सिविल अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों का धरना पांचवें दिन भी रहा जारी, वहीं 23 वर्कर्स ने ठेकेदार को थमाया नोटिस। जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 10वें आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। जिला पुलिस की CA1 टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में हासिल की कामयाबी। रिफाइनरी के पास पाइपलाइन पर वेल्डिंग करते समय मिट्टी के नीचे दबने से श्रमिक की मौत के मामले में मृतक के पिता के आने के बाद तीसरे दिन हुआ पोस्टमार्टम। पुलिस ने पाइपलाइन दबाने वाली कंपनी के ठेकेदार और JCB चालक पर किया केस दर्ज। सेक्टर 11-12 निवासी हैंडलूम कारोबारी को बाप बेटे ने पहले दुकान से बाहर बुलाकर किया हमला, फिर लूट ली 77,000 रुपए की नकदी। वारदात CCTV कैमरे में हुई कैद। किला थाना पुलिस में पीड़ित ने दी शिकायत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।